अरे डालू तो मैं छत्र बैठी हूँ। जानू आ गए आप। हाँ। जानू आपको पता है क्या? हम दो से तीन होने वाले हैं अब। क्या सच में? जानू तुमने तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है आज। सच अच्छा? में हाँ। जानू मुझे नहीं पता था कि आप इतना खुश होंगे मेरी मम्मी के आने से। क्या तेरी मम्मी के आने से? वो चुड़ैल फिरारी अभी पिछले महीने तो आई थी, एक महीना रह कर गई। मैंने तो सोचा था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे बहू, भगवान ने तुम्हें दो दो बड़ी बड़ी आंखें दे रखी हैं, फिर भी तुम चावल में से तीन चार पाँच छह कंकड़ पत्थर नहीं निकाल पाती हो। ससुर जी, क्या हुआ? भगवान ने आपको भी 32 दांत दिए हैं, दो चार कपड़ा चबा नहीं सकते बुढ़ो। क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने? संस्कार बात ही मत करना, कपड़े मत कर दूंगी। क्या अभी बाफ करता हूँ मैं तुम्हारे घर पे। जानू, आज हमारी शादी की सालगिरह, तुम याद है ना तुम्हें? हाँ याद है। आज ना हम खूब मजे करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। अच्छा? हाँ, ये लो मूवी की तीन टिकटें भी लाया हूँ मैं। लेकिन जानू तीन टिकट क्यों? अपने माँ बाप और भाई को दे देना, वो जा करके बाहर पिक्चर देखें, हम दोनों घर पे मजे करेंगे खूब सारा। मम्मी, क्या हुआ? भैया इसको के कूट डालो। क्या कूट डाले? अरे मैं तो निकल गया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आप लेट जाओ। लेट जा? अरे भाभी जी, थोड़ा तमीज से बात करिए हमसे। भाई साहब, हाँ। आज मेरे पास चार चार गाड़ी है, चार चार बंगले हैं, नौकर है, चाकर है, एक हैंडसम सा पति है, आपके पास क्या है? अरे भाभी जी, आप भूल रही हैं, मेरे पास ना एक हैंडसम सा लड़का है भाभी जी, जिसकी गर्लफ्रेंड आपकी बेटी है। मैडम जी, हाँ जी, ये आपका ड्राइविंग टेस्ट है। हाँ। तो आपसे एक सवाल पूछना है, पहले मुझे ये बताइए, आगे अगर एक तरफ आपके पति आ जाए, एक तरफ आपका भाई आ जाए, तो आप क्या मारेंगी? अरे भैया, पति को मारूंगी, और क्या मारेंगे? अरे बेवकूफ औरत, ब्रेक मारेगी, ब्रेक। क्यों? हाँ जी, क्या भाभी? शादी कब कर रहे हो आप? अरे भाभी, शादी क्या करूंगा करके के भाभी, सिंगल रहने का भी अपना ही एक अलग मजा होता है भाभी। अच्छा, कैसे? हाँ देखो, न बाबू न सोना, न रोना न धोना, बस सारे दिन खाना और सोना। भैया से पूछो क्या हालत है उनकी। मतलब? अरे भैया से पूछो ना, मुझे बताते हैं वो, शाम को जब दोनों लोग बैठ के पैग लगाते हैं ना, सब बताते हो क्या क्या होता है उनकी लाइफ में। अब छोड़ूंगी नहीं उनको मैं। हाँ? वो आठ दो क्या जब तक? देखा, इसीलिए बोलता हूँ अकेले ही रहना ठीक है। वकील साहब। अरे अरे, आई 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 आई, बैठिए। खड़ी है, देखे तो क्या करा था तू? अरे ध्यान नहीं दे पाया आपके ऊपर, बताइए बताइए क्या काम है? हमें बहुत जरूरी काम है, जो हमारा तलाक नहीं कराया रहा। हाँ। हमें फिर से तलाक करवा शादी करवाओ। ये का है, अभी आठ दिन तो भाई तलक किया भाई, आप कहा वापस कहा शादी कर चाहते का है ना, जब हमारे पति का देखित नहीं है। हाँ। बहुत ज्यादा खुशी लागत है, बहुत ज्यादा खुश है। हाँ? हमें की खुशी बर्दाश्त नहीं, तो रात में सोई नहीं पाई थी, इसकी वजह से हमारा तलाक तोड़वाओ, शादी करवाओ। अरे भगवान, कौन मेरा औरत ही सही बात है। मैंने क्या बोला है? अब वह चाहिए तब भाई, तहा दोबारा शादी नहीं पाया। तोड़वा तलाक करा रहा, हम कैसे कराए दिए? तलाक तोड़वाओ। अरे भाभी जी सुनिए। हाँ? आपका नोट गिर गया। नोट? मैं गिरे हुए नोट नहीं उठाती, तुमको कितनी बार बताया है। अरे बेवकूफ भाभी जी, आपका नोट 5 प्रो मोबाइल गिर गया, आप पीछे देखो, पीछे पीछे। और जाने मन, अब तो मैं इंजीनियर बन गया, आप तो देख ले मेरी तरफ। अबे पेन ड्राइव के ढीले ढक्कन, पैदाइश परमानेंट एरर, इंटरनेट की करप्ट फाइल, अनसपोर्टेबल ड्राइव, बिन बुलाए वायरस, ऐसा एंटर मारूंगी कि जमीन से डिलीट होकर सीधे इंस्टॉल हो जाएगा कब्र में। और जान भाभी भाभी। हाँ। अरे ये क्या कर रही थी भाभी आप? कुछ नहीं, जुकाम हो गया क्या? हाँ। अच्छा भाभी, आपकी शादी लंबी हुई थी ना भाभी? हाँ हुई थी। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, ये प्यार कब होता है भाभी? देवर जी। हाँ। जब दिमाग खराब होता है ना, तब हाँ। प्यार होता है, जब तुम्हारा भी खराब होगा तो तुम्हें भी हो जाएगा। मेरी किस्मत मतलब आपका दिमाग खराब हो गया था क्या जब आपसे प्यार हुआ था? अच्छा। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं क्या? अभी नई बाइक है, अकेले मैं भी हूँ, अकेले। मैं अनजान लोगों के साथ नहीं जाती। क्या अनजान लोगों के साथ नहीं जाती है आप? अच्छा, तो सारे ऑटो वाले जो है वो आपकी बुआ के लड़के लगते हैं क्या, जिनके साथ निकल लेती हो? बता। नमस्ते होने वाली सासू जी। अरे बेटा, अकेले आए हो?
सासू जी, हम आई एम डॉक्टरेट ऑफ गोल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। लगता है बहुत बड़ा ऑफिसर है। बेटा हिंदी बता। सासू जी, हम बकरी चराते हैं। क्यों? पिंकी देने दे। भोली सी सूरत, आँख में मस्ती, दूर खड़ी सरमाए, आय हाय। काली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए, चाय चाय। चलवा चाय चाय। डॉक्टर साहब जल्दी करो ना, घर में छोटे 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 बच्चे हैं। हाँ हाँ, चिल्लाओ मत, हमारे क्लिनिक में हम आप ही का दवाई दे रहे हैं। इसका जल्दी दवाई दे रहा है, इसको भगाओ। ये लो, ये दो शीशियाँ हैं, एक तुम्हारे कुत्ते के लिए, एक तुम्हारे पति के लिए है। डॉक्टर साहब क्या इन शीशियों पर पर्ची चिपका दो। पर्ची चिपका दे? क्यों, पर्ची क्यों चिपका दे इस पे? दरअसल डॉक्टर साहब, बात क्या है, क्या कि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। क्या? और तुम्हारे पति को चाहे जो हो जाए, मर जाए साहब। हैं, कैसी औरत हो तुम? कुत्ते से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, भाई साहब इधर आना जरा। अरे क्या हुआ भाभी जी? आप भी ना, आप तो शर्माने लगते हो। अच्छा भाई साहब, ये बताओ ये पत्नी क्या होती है? अरे भाभी जी, आप भी जानना चाहती हैं क्या? अच्छा ठीक है भाभी जी, आपको बताता हूँ फिर मैं। पत्नी ना अक्सर रसोई और टीवी के सामने पाई जाती है भाभी जी, और ना इसका पौष्टिक आहार पति का भेजा होता है, और ये पानी कम खून ज्यादा पीती है भाभी जी। ये अक्सर नाराज होने का नाटक करते हुए देखा पाया जाता है इसको। भाभी जी, इसका ना सबसे खतरनाक हथियार रोना और इमोशनल ब्लैकमेल करना होता है, और ना इसके संपर्क में आने से इंसान टेंशन की बीमारी में झेलता है। अच्छा, हाँ, हाँ। आपकी टेंशन पीछे खड़ी है, अच्छे से सुनिएगा बाप को। मुझे बता रहा, मुझे बता रहा, वो तो भाभी ने पूछा था तब मैं बता रहा था। नहीं, मैंने पूछा है, ढूंढ दो। अरे क्या बात है भाभी जी, आज बहुत दिन बाद आप छत पे दिखाई दिए। हाँ, हाँ। अच्छा भाभी से आपसे एक बात पूछनी थी भाभी जी। भाभी जी, आई लव यू का मतलब क्या होता है? आई लव यू का मतलब मैं आपसे प्यार करती हूँ। लो कर लो बात भाभी जी, अंग्रेजी में एक सवाल क्या पूछ लिया आपसे, आप तो मेरे ऊपर फिदाई हो गई भाभी जी। क्या बोले? हाँ क्यों? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा मत करिए। पापा क्या हुआ बेटी? मैं भी डिग्री लेना चाहती हूँ, मेरा भी एडमिशन करा दो कॉलेज में। अरे बेटी, तू क्या करेगी डिग्री लेकर के? तुझे डिग्री की जरूरत ही नहीं है बेटी। क्यों नहीं है? अरे बेटी, तेरी शादी अगर डॉक्टर से करूंगा ना, तो तू डॉक्टरानी कहलाएगी। सही कहा पापा। अगर तेरी शादी मास्टर से करूंगा तो तू मास्टरानी कहलाएगी। अगर चपरासी से होगी पापा तो? तो तू चपरासिन कहलाएगी बेटी। मुझे डिग्री लेना। अरे उदयवर जी। क्यों भाभी? एक बार बताऊँ तुमको। क्यों क्यों? बताए, मोहब्बत के रास्ते में सिर्फ दर्द ही दर्द मिलेगा बस। अच्छा भाभी, सच कह रही हैं क्या? और क्या भाभी, मैं सोच रहा हूँ ना, उस रास्ते पर एक मेडिकल स्टोर खोलूं भाभी, मस्त चलेगा, है ना? क्यों, इसको समझाना बेकार है भगवान। जानू। हाँ? आज ना चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अच्छा? हाँ, हाँ? कार मैं चलाऊंगी। अच्छा, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। पागल इंसान। हाँ? तुम्हें पता भी है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं गाड़ी चला रही हूँ कार। अच्छा, तेरे बाप ने कभी कार देखा भी है? बचपन से कार चला रही है, कार है नहीं तो तूने चलाया कहाँ से? अरे टिंटन। क्या हुआ क्या हुआ? राना। हाँ। कल तुझे पुलिस की ढूंढ रही थी। अब क्या बताएं, क्या बताऊं भाभी मैं आपको, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ तो? तो क्या पुलिस मुझे पकड़ के पूछ रही है कि मैंने अपने दोस्त को क्यों मारा? क्या तूने मार दिया? हाँ। हे भगवान, पीछे आपके घर के पीछे गार्ड रखा मैंने। परफ्यूम ले लो, परफ्यूम ले लो, परफ्यूम ले लो। मैडम जी, परफ्यूम लेंगी क्या? हाँ भैया, 25 पैसे वाला हो तो दे दो। हैं, 25 पैसे वाला कौन सा परफ्यूम आता है? गोबर में उंगली डाल के सूंघ ले कमीनी, 25 पैसे वाला परफ्यूम चाहिए इनको। भैया जी। हाँ जी मैडम जी। 5 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिए इसमें। आए? 5 रुपए का पेट्रोल? अरे मैडम जी, 5 रुपए का पेट्रोल डलवा के आप जाएंगी कहाँ? अरे भैया, जाना कहीं नहीं है। हाँ फिर? हम बहुत बड़े आदमी हैं, सिर्फ पैसा उड़ाते हैं बस। डाल दीजिए, सिर्फ पैसा उड़ाएंगे बस। हाँ, पैसा उड़ाएंगे? चल भाग जाए यहाँ से, मैं तो पेट्रोल इसी गाड़ी में आग लगा दूंगा।
अरे सुनिए सुनिए मैडम जी, सबके नैन सुप का जरिया हो जाओगी, धूप में इस तरह मत निकला करो, नहीं तो करिया हो जाओगी करिया। मार तो नहीं खाना है तुझे? क्यों? कमीने हरामखोर, तो इतना थप्पड़ लगाऊंगी ना। अरे यार किसी को सही बात बताना भी बेकार है इस जिंदगी में। अरे भाभी जी अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। भाभी जी आपको एक बात बतानी थी मुझे। भाभी जी मेरी कोई मुमताज नहीं भाभी जी, नहीं तो मैं ना ताजमहल से भी बड़ी और कीमती चीज बनवाता उसके लिए। अच्छा हाँ, पहले अपने घर में लैट्रिन बनवा ले, पूरा घर जाता है सुबह सुबह खेत में लोटा लेके। अरे भाभी जी आपने ना मेरी बात की तो इज्जत नहीं रखी और अपनी बात से आपने मेरी बेइज्जती कर दी बहुत तगड़ी वाली। जानू हाँ, कैसी लग रही है मेरी लिपस्टिक? बहुत मस्त लग रही है यार, कल ही ना मुंबई से मंगाए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हूँ ना मैं। हाँ। तो कोई शायरी सुना दो ना। अच्छा शायरी सुननी है, ये ले सुनना। फिजा में महकती शाम हो तुम। अच्छा, फिजा में महकती शाम हो तुम। हाँ। प्यार का पहला जाम हो तुम। अच्छा, और क्या कहें डार्लिंग तुम्हारे बारे में, खर्ची की दूसरी दुकान हो तुम। क्या बोले? हाँ सुनो जी। क्या है? कोई शेर सुना दो ना। अच्छा शेर सुनना महारानी को? उसके बाद खाना बनाओगी क्या आज? हाँ हाँ। अच्छा सुन लो, लेकिन खाना फिर टेस्टी होना चाहिए। देखूंगी। हाँ सुनो, अर्ज किया है ये तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो। वाह वाह। ये तुम औरतें बड़ी चालाक होती हो, अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अकेली और पति के प्रोफाइल पिक्चर में साथ होती हो, ऐसा क्यों है? सब मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है, कभी नहीं ठोका होगा ना। छोड़ूंगी नहीं। चटोरी दिन खड़े हो जा। क्यों मैडम जी, मुझे क्यों पड़ा गया? भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है बताओ? भावना। वो कैसे? अरे मैडम जी क्योंकि इसमें सब बह जाते हैं ना, इसलिए। क्यों? हाँ। ससुर जी। हाँ। ये लीजिए चाय पी लीजिए। अरे लाओ बहू लाओ, बहुत संस्कारी लग रही हो बहू, तभी तो जग में चाय लेकर के आई हो। बहुत संस्कारी हूँ। अच्छा बहू अब मेरी बात सुनो बहू, अब जल्दी से मुझे ना एक पोता दे दो, मुझे दादा बना दो अब। ससुर जी। हाँ। पहले ही बताना चाहिए था शादी के पहले, मैं अपने मायके से ले आती आपके लिए पोता, खिला लेते आप। है ये कैसी बहू है, हे भगवान।